बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टोरियन। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कर और प्रोग्राम ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता 18 अप्रैल से 24 अप्रैल मेजर चेंजेस हैं टोरियन, जो मैं सारा साल की प्रोटेक्शन करता रहा। यहाँ पे मेजर चेंज है, सन आपका राहु के नीचे आ रहा है और उसका मीडिएटर वीनस अच्छा बैठा है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं, बट वो मैं प्रिकॉशनरी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना। ये मैक्सिमम पीक पे है जो महीना आपका आएगा, जो आपको थोड़ा सा टफ टाइम, ओवर बिजी, सर दर्द या कुछ ना कुछ हायर अप्स के साथ प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो इस प्रोग्राम को आखिर तक पूरा सुनिएगा। और ये महीना जो है ना, आपने बड़ा सोच समझ के बड़े तरीके से गुजारना होगा। स्टार्ट आपका सातवें घर से हो रहा है और मून आपका केतु के साथ है। या हम पिछले इतवार को भी ले लेते हैं, 17 को भी 18 को भी, दो दिन आपके ये सातवें घर में। एक तो वो ख़वातीन जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, सेकंड कंसेप्शन ख़ास तौर पे, दूसरा सातवां घर वैसे भी सेकंड कंसेप्शन का, या जो भी जिन्होंने भी प्रेगनेंट ख़वातीन, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ये ना हो के, क्योंकि केतु आपको भगाएगा दौड़ाएगा, शक्कत का लॉर्ड है, कभी किधर कभी किधर, कभी किचन में, कभी वज़न उठाएंगे, कभी तपड़ियाँ मार, कभी घर की सफाई, कभी कपड़े धोने। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना, बेशक आपकी सास आपके घर वाले आपसे खफा भी हो, तो फिर भी आपने अपने आप को लाइटर मोड में रखना है। ये नहीं करना कि आप भाग दौड़ में लगे रहें। बेड कम्प्लीट बेड रेस्ट कीजिएगा, हल्का फुल्का जो वॉक करनी, मैदा ख़राब हो सकता है आपका, यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चौक हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है। तो एक चीज़ का तो ये आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पे सातवें का लॉट 11वें घर में बैठा है, तो वो यहाँ पे मूड स्विंग्स आपके अप्स एंड डाउन रहेंगे। स्पाउस के साथ थोड़ा सा आपका कह लें कि इंट्रैक्शन ज़रा नेगेटिव तरीके से होगा, बट इसका जो लॉर्ड है, इसका जो हकम से आ रहा है, वो 11वें घर में बैठा है, जिससे ना घर में सुकून रहने के चांसेस पूरे हैं और कोई ना कोई दूसरों से आपको मोहब्बत मिलेगी, दिली तमन्नाएं पूरी होगी। आपका पार्टनर आपके साथ घूमेगा, साथ रहने का मतमन्नी होगा। मियां बीवी में आला तलकात, यकीन और हमदर्दी हो सकती है। मियां बीवी में रवायती तलकात नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा सा कह लें कि दोस्ताना राग होगा और एक दूसरे को देख के समझेंगे। कारोबारी ज़रात भी ट्रेड करने, बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करने और घूमने पर यकीन रखेंगे। एक मसला रहेगा कि हर बात में बड़े बहन भाइयों से इजाज़त लेना ज़रूरी महसूस करेंगे, जिससे आपकी बेगम खफा हो सकती है। यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ गया, एनी हो बेगम का रोल यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव है। सातवां घर है, तो सातवां घर आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पाउस का है, तो उसका मीडिएटर बड़ा अच्छा बैठा है, लेकिन क्योंकि फिर भी केतु बैठा है, मूड स्विंग आपके थोड़ा सा, आपके स्पाउस को आपके लिए टाइम नहीं होगा, जिससे आप काफ़ी खफा हो सकते हैं उनके साथ। तो कोशिश करना है कि आपने उनके साथ कोई मूड स्विंग नहीं दिखाना, वो थोड़ा सा बोझ होगा, उस पर काम का बोझ रहता होगा, आपकी तरफ देखेगा और आप उसको कंसोल कीजिएगा, ना कि उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर आपने इग्नोर किया तो वो खफा हो सकता है, तो इसलिए इनके साथ आपने थोड़ी सी हेल्प आउट कर देना। इन केस शी इज़ प्रेगनेंट, तो देन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाइस एंड केयरफुल विद हर। और आपको वो वैसे कोशिश पूरा करेगा कि वो आपका ख्याल रखे, आपका करेगा, लेकिन आपका मूड स्विंग जो होगा ना, वो थोड़ा सा आपने कह लें कि इतना अच्छा नहीं होगा, इतना कह लें कि सेल्फिशनेस आपके अंदर बहुत होगी। मे बी आप मोबाइल पे लगे रहेंगे, किसी के साथ चैटिंग करते रहेंगे किसी के साथ, तो वो उस पर वो खफा हो सकता है कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, या मैं ओवर वर्क है और ये बैठा चैटिंग कर रहा है या कर रही है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना होगा। यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रैवलिंग भी आपकी, उसमें आपका वीजे शीजे का भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है, कोई इस किस्म के मूड स्विंग आपको ख़राब होने के चांसेस है। पार्टनरशिप में आप थोड़े से बहुत जो बिज़नेस करते हैं, शेयर्ड बिजनेस, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी हिपोक्रेसी होगी, जिससे आप अपने पार्टनर को डॉज देने की कोशिश करेंगे और उसको प्रॉफिट कुछ होगा बताएंगे कुछ, तो इस किस्म के नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चलेंगे।
तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलिएगा। आगे चलते हैं 1920 अप्रैल, यहाँ पे आपका सन तब्दील होता है 20 को, आपके राहु के नीचे चल जाए तो एकदम पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और प्रेशर में आएंगे आप लोग। वो आगे जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे जिस दिन मून आपके असेंडेंट में आएगा तो उसकी तफसील मैं उस वक्त बताऊँगा। एनी हो, ये पूरे महीने का जब प्रोग्राम करूँगा ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 11वें में है और जब 8वें का लॉर्ड 11वें में जाता है तो जायदाद से रिलेटेड कोई ना कोई मसले मसाइल आपको हैंडल करने पड़ते हैं। कोई जायदाद नहीं बेचनी और बहन भाइयों के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे बट नॉट ऑन द कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। फॉरनर के साथ भी आपको फ़ायदा होगा और बस आपने आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार में दिलचस्पी बढ़ेगी बट नॉट के मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के कोई काम करूँ। तो प्रॉपर्टी की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। बाकी आपका ये दिन बड़ा अच्छा होगा, किसी किस्म का रिजेक्शन किसी का नहीं होगा, बड़ा अच्छा आपके साथ आपका दिन गुजरेगा। 8वां घर है और कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, सडन गेन हो जाएगा, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग आ जाएगी, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई नेशनैलिटी के बारे में कोई प्रोग्रेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। मास वाइज अपने हेल्थ इशू का और अपने वालदा की सेहत का ज़रा ख्याल कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मून बहुत पॉजिटिव, किसी किस्म की नेगेटिव खबरें मिलती हुई नज़र नहीं आती। यहाँ से आपको स्पाउस की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ फ़ायदा हो जाएगा जिससे आप बहुत एडवांटेजेस लेने में कामयाब हो जाएंगे, कोई गिफ्ट आ जाएगा, कोई लेगेसी में इजाफा होगा, कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा या कर्ज़ा उतर जाएगा या कोई बैंक की तरफ से अच्छी खबर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यानी कह देंगे सर्विस मैटर में आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये दो दिन आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं टॉरियन आपका मून कैप्रिकॉर्न में और डेट बनती है 21-22 और यहाँ पे अब बड़ा संजीदा माहौल होगा घर का और 9th का लॉर्ड 10वें घर में है यहाँ पे। अब 10वें घर में जब 9th का लॉर्ड गया तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा, कोई तरक्की मिल जाएगी, कोई बिजनेस में बूस्ट मिल जाएगा और कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कोई फॉरेनर्स के साथ आपकी डिस्कशन कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, कोई फैक्ट्री लगाने में या कोई बिजनेस में या कोई ट्रेड में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह की रहमत यहाँ पे नज़र आती है और आपका हर कदम बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे क्योंकि 9th हाउस फिर 10th हाउस 9th हाउस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ना कोई मौशी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, जैसे जैसे लॉटरी प्राइज बॉन्ड आपकी किस्मत तब्दील कर सकता है। अब 9th हाउस यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका फॉरेन ट्रैवलिंग ये भी आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सडन गेन, कोई PhD में या कोई MPhil में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हायर एजुकेशन में आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई फेवर मिल जाएगी, कोई फेम मिल जाएगी, विजडम और लीगल इशू में आप विजडम बहुत अच्छा होगा, लीगल इशू में कोई फेवर मिल जाएगी। मूड स्विंग आपका बहुत संजीदा होगा और चैरिटेबल होगा, मैनिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी। यहाँ पे आप सर्च वर्क में भी आप बहुत अच्छे होंगे, मजहबी रहनुमा बड़ा अच्छा बोलेंगे, आप किसी श्राइन पे या हज उमरा का सफ़र भी आ सकता है या किसी मंदिर या चर्च का चक्कर भी लग सकता है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी, वजदानी की फीयत होगी और फेथ इन रिलीजन एंड अल्लाह आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की हेल्प आउट करेंगे, यहाँ पे दान करते नज़र आ रहे हैं, चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं या ज़कात या वो सदकात करते नज़र आ रहे हैं, जिससे आप अपने अंदर बड़ी एक कह लें कि पॉजिटिवनेस महसूस करेंगे, या अल्लाह मैंने इसकी मदद की है। और यहाँ पे 3rd कंसेप्शन के भी चांसेस नज़र आते हैं। खैर ये आपके दो दिन बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। अब आ जाते हैं 23rd-24th सेप्टेम्बर 10वें का लॉर्ड 10वें घर में, इससे अच्छी पोजिशन
मेरा ख्याल है कोई नहीं, जब आप कहते टोरियन ये इज़ द बेस्ट डे फॉर यू, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। इन इफ केस यू आर डूइंग बिजनेस तो बिजनेस में उठान मिल जाएगा, या नया बिजनेस लॉन्च करते तो उसमें भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वालद साहब की तरफ से भी आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई इस किस्म का सपोर्ट, या वालद साहब आपके साथ खड़े होंगे। और इस दिन कोई बच्चा पैदा होता तो बड़ा खुशकिस्मत बच्चा होगा, जो दसवें का लॉट दसवें में लेके पैदा होता है ना, तो वो कमाल का, वो उसको कहते हैं सोने का चमचा लेके पैदा होने का बच्चा होता है। दौलत आती हुई इसमें नज़र आता है। यहाँ पे दसवां आपको पता है, यहाँ पे स्टेटस का रतबा मरतबा सीयत का, तो आप कह लेंगे ये दो दिन आपको प्रोटोकॉल, इज्जत, रिस्पेक्ट, कमांड में इजाफा, बिजनेस में बेहतर, प्रमोशन की भी खबर, कोई प्रमोशन को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एनी हो, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मून सैटर्न के साथ बैठा तो मूड स्विंग थोड़े से चेंज होंगे, छोटी छोटी बातों पे वरीड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे मेरा काम होते होते रुक गया। प्रमोशन की खबर आई, पहले खबर आ जाएगी कि नहीं हुआ बोर्ड, फिर आ जाएगी आपका नाम नहीं था, और फिर थोड़ी देर बाद खबर आ जाएगी नहीं यू आर क्लियर, और तो इस पर फिर एकदम आप जुबिलेंट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। फेजेस आएंगे आपके, थोड़े से नेगेटिव फेजेस जिसे कहते हैं ना, पीविश लो स्टीम पे चले जाएंगे, नाम इतनी पैसिमिस्टिक जिसे कहते हैं उस पर जाने के चांसेस है। या फिर उस दिन कोशिश कीजिएगा, कोई सफ़र में जाएंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। आपको पता है सैटर्न डिले का लॉर्ड, और ख़ास तौर पर मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है, जिस दिन मून सैटर्न के नीचे होता है तो मुझे सारे इशारे बंद मिलते हैं, ट्रैफिक कोई ना कोई मोटरसाइकिल कार वाला नहर के ऊपर लगा होता है, और फिर उस दोनों मोबाइल पकड़ के खड़े होते हैं और पीछे ट्रैफिक, और हमारा भी काम बड़ा अच्छा होता है कि पीछे से कोसते आ रहे होते हैं, लेकिन जब वहाँ पर एक्सीडेंट सीन पर पहुँचते फिर गाड़ी स्लो करते हैं, फिर ऐसा तस्के लेते लेते गाड़ी को, यानी कि आपका चस्का जो होता है ना, वो जो आप वहाँ पे इंजॉय करते हैं कि हुआ क्या, वो काज ऑफ ट्रैफिक का स्लो का बनता है। तो इस किस्म के आपको सीन देखने को मिल सकते हैं। तो टाइम पे निकलिएगा, वक्त पे निकलिएगा, वक्त ज़ाया होगा या आपको खबर कोई लेट पहुँचेगी, बट एनी हो उस दिन आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। तो टोरियन एक चीज़ याद रखिएगा, ये महीना थोड़ा सा आपको बोझ आप पे लाद दिया जाएगा, आप पे प्रेशर आएगा, आपके वालद साहब की सेहत का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, अपने बड़े बेटे के साथ नहीं उलझना, बॉस के साथ नहीं उलझना, बड़े भाई के साथ नहीं उलझना, ये जो रिश्ते हैं ना सन से रिलेटेड, वालद साहब, आपका अपना ब्रेन, बॉस, हायर अप्स, गवर्नमेंट और लीगल इश्यूज, इनसे आपने बहुत मुताहत होकर डील करना है, क्योंकि ये महीना आपको थोड़ा सा भगाएगा, दौड़ाएगा, प्रेशर में लाएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।